थोड़े बहुत हिट देने पड़ेगा भाई, उसी को चला दिया पीछे सब। एक और आ गया भाई मुसांडा, इस बार तो चल गया यार ये 90। अरे वेस्ट होगी मेरी यार 62% 47। यार आ जा यार 47% यार 47 है भाई, नहीं भाई 17 भाई, अब ये मर जाता भाई, इस बार तो आना चाहिए यार। नहीं गया काम से, आ जा यार आ जा यार आ गया, आइए देखते हैं मजा आएगा। तो आज मैं वापस से आ चुका अपने पालवल वाले वर्ल्ड में, जहाँ पर पिछले एपिसोड में तुमने देखा होगा कि एक प्राणी ने हमें बहुत ज्यादा रुलाया था भाई। ये नहीं, अरे नहीं भाई बांध दिया सुन, शिट शिट 0.12% नहीं होगा यार। अरे नहीं यार बस बस मन, अरे भाई एक डैमेज भी मार दिया भाई एक हिट में। जी हाँ मैं मेमोरिस्ट की बात कर रहा हूँ, जिसने भाई लास्ट एपिसोड में अपने को बहुत ही ज्यादा रुलाया है, पर ये अपने को ज्यादा देर तक नहीं रुला पाएगा क्योंकि उसको पकड़ने के लिए मुझे थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए आज मैं पकड़ने वाला हूँ इस वर्ल्ड में जितने भी लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं सबको मैं पकड़ने वाला हूँ। सबको तो नहीं, पर ट्राई मैं करूंगा कि जितने भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल वाले पाल से सबको पकड़ना है, क्योंकि अपना मेन मकसद दो मेमोरेस्ट है, उसको पकड़ने के लिए थोड़ा सा पावरफुल तो बनना पड़ेगा ना। तुम्हें से यार काफी सारे लोग हैं वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो देखो गलत बात है यार, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमें फटाफट से 1 मिलियन करते हैं। भाई ने बोला करने का तो करने का। देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज दिखाने वाला हूँ, जो कि है मैंने फाइनली अपना बेस रीबिल्ड कर लिया। मैंने कहीं और पे अपना बेस बनाया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैंने अपना बेस कहाँ पे बनाया। ये अपना पुराना बेस था, यहाँ पे उसको मैं हटा दूंगा, बाकी अभी फिलहाल मैंने अपना बेस यहाँ पर बनाया, मैं तुम्हें दिखाने वाला। वैसे पूरा बना नहीं है, थोड़ा सा मैंने बना लिया है, बाकी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, जो कि ये रहा अपना घर। मुझे पता है इतना खास ही नहीं है, पर ये ना एरिया मुझे काफी सही लगा था, जो काफी ना ओपन एरिया, इसलिए मैंने यहाँ पर अभी एक छोटा सा घर बना दिया है। वैसे ज्यादा कुछ खास बनाया नहीं है, इसको भी आगे मतलब चेंजेस करेंगे भाई, इसमें धीरे धीरे चेंजेस करते रहेंगे। अभी फिलहाल तो मैं सारा सामान यहाँ पे लेके आ चुका हूँ, चेस्टों में भरा पड़ा है सामान, बस उल्टा सीधा फेंक दिया मैंने। बाकी यहाँ पे सारे मैंने अपने वर्क बेंच वगैरह लगा दिए, अंदर का स्टैचू लगा दिया, इन सबके बेड वेड लगा दिए। बाकी एक वो शॉर्टकट के लिए छोड़िए भाई, वो गलती नहीं है, वो शॉर्टकट के लिए बना रखा है मैंने। बाकी देखो बेस तो मैंने एकदम मस्त जगह पे बना लिया। अपना सबसे मेन टारगेट आज अपना कि बॉस को पकड़ना है भाई, आज कैसे भी करके अपने को कुछ बॉसेस को पकड़ना है। जैसे पैंकिंग है ना, ये मुझे लगा था थोड़ा सा इजी होगा, देखो क्योंकि 15 लेवल का ये, तो इसको पकड़ना थोड़ा सा इजी हो सकता है, तो मैं इसको पकड़ने की ट्राई करूंगा। और बाकी मेमोस्ट का तो तुम्हें पता ही है, लास्ट एपिसोड में मैंने कितनी ट्राई करी भाई, वो नहीं पकड़ में आ रहा, उसको भी अपन ट्राई करेंगे। बाकी मैं और भी देखूंगा कि भाई किसी को तो पकड़ ले, एक ये भी है पर 45 लेवल का, तो मार खा जाऊंगा मैं इससे। तो बाकी और भी मैं ट्राई करने वाला हूँ कि इनमें से पकड़े जाए। 31 का भाई यूनिवर्ल्ट भी इस साइड में थोड़ा सा ना एक्सप्लोर करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया अपन ने, ये एरिया पे एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ पैंकिन से फाइट करने के लिए, बस तुम देखो भाई आप बॉस इसको पकड़ना, आज अपना टारगेट ही भाई अपना ये है। बाकी मैंने यहाँ पे स्टेयर बनाने के लिए रखे थे, ये अपन ने बन दिए। बाकी हाँ मेरा लेवल 20 भी हो गया ना, मेरे को कुछ चीजें अनलॉक भी करनी है। जैसे देखो सबसे मेन अपने को अनलॉक करना है जो कि गीगा स्फीयर, इसके साथ साथ अपने को एक वर्क बेंच भी चाहिए, यानी वेपन वर्क बेंच चाहिए अपने को, वेपन वाली। और बाकी ना मैं एक और चीज वो करना क्या करता जो कि था स्मॉल, इससे क्या होगा कि अपने आप खाना खा सकते हैं, ये चीज मैंने बाद में देखी। बाकी मैं इन सबकी सैडल वगैरह भी बना सकता हूँ, जो कि अभी फिलहाल मेरा बनाने का तो मन है नहीं, तो इसको नहीं बनाएंगे। सबसे पहले अपने को लगानी है ये वेपन वर्क बेंच, जिससे हम वेपन बना पाएंगे। देखो अभी फिलहाल मैं इसको यहीं पे लगाता हूँ। बाकी ना मैंने ये भी बिल्ड किया है, अब इसका क्या है मुझे ना ये भी नहीं पता, इससे क्या होता है सिलेक्ट पाल बेस, इससे होगा क्या भाई, तुम्हें पता होगा कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी देखो सबसे पहले एक ट्रेडर भाई साहब आए हुए हैं, जिनसे तुम लोग कहते हैं मैं काफी सारी चीजें खरीद सकता हूँ, जैसे फ्लेम ऑर्गन वगैरह होते हैं ना, ये सब चीजें ये बेच रहता है, तो इससे खरीदना आसान रहता है, इससे मतलब मैं खरीद सकता हूँ। जैसे वीट वगैरह तो अभी फिलहाल ये बेच रहा और कुछ नहीं बेच रहा, मिल्क वगैरह बेच रहा, बाकी अपने कुछ नहीं चाहिए, तू जा सकता है यहाँ से। बाकी मैंने ब्रीड फार्म भी बनवाया था, जिसमें अपन ब्रीड करा सकते हैं काफी सारे पोकेमॉन्स को। बाकी देखो सारे के सारे भूखे हैं भाई, कितना खाना खाओगे भाई, ये सबसे ज्यादा खाना खाता है यार, इसको मुझे रखना ही नहीं अपने बेस पे, ये इतना खाना खा जाता है, बाकी सब जितना खाते ना मिला के अकेला खा जाता है भाई ये आदमी। कटिवा को काम पे लगाते हैं भाई, माइनिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है, स्टोन अपने पास काफी ज्यादा खत्म हो रहे हैं भाई। ओ घर के अंदर कैसे आ रहा, रुक घर के अंदर कैसे गया, घर के अंदर कैसे चला गया भाई तू, अब खाएगा तू हेडशॉट, घर के अंदर जाना मारा तू, पता है ना जब घर के अंदर गया कैसे, ये बता घर के अंदर कैसे चला गया बताओ। बाकी अभी मैं अपना ये भी बेस अपग्रेड कर सकते हैं अगले लेवल पे, अपना साथ ही बना सकता हूँ फिलहाल मैं, गीगा स्फीयर भी बना लेता हूँ, इनको भी लेके चलेंगे अगर बॉस को मैं पकड़ पाया ना। पैंकिंग था ना क्या नाम था, पेंगुइन जैसे जो नाम था, पैंकिंग है ना इसका ना, हाँ पैंकिंग नाम है इसको, इसको भी पकड़ना अपन को आज। देखो मुझे ना फ्लेम ऑर्गन चाहिए, जो कि ना कहाँ पे, यहाँ पे कोई बेस तो था वहाँ मिलता है, ये है ना यहाँ पे मिलता शायद मेरे हिसाब से, यहाँ पे ट्रेडर्स वगैरह रहते हैं, हाँ इनसे मैं खरीद सकता हूँ फ्लेम ऑर्गन वगैरह, इसलिए ना मैं थोड़े बहुत फ्लेम ऑर्गन खरीद लेता हूँ, शायद 10 खरीद लेता अपने पास 13,000
रुपए ना 1000 के मिल जाएंगे खरीदे तो मेरे पास कम पड़ रहे थे। ये रिंग वगैरह भी दे रहा है, रिंग ऑफ मर्सी, पता नहीं किस काम आती है। बाकी छोड़ो, बाकी तो और पूछो नीचे अपने को, कुछ भी कहो, एरिया काफी ज्यादा मस्त है। जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मस्त आओ, खरीदारी करो और मस्त तरीके से काम करो। देखो अब मैं जा रहा हूँ पैंकिंग से लड़ने के लिए, जिसके लिए अपन को बहुत ज्यादा ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई चुहा ही नहीं है भाई। फास्ट ट्रैवल यहाँ से पास पड़ेगा मेरे हिसाब से, यहाँ से चलते हैं। बॉस है, फाइट नहीं करनी, मेन तो फाइट करनी है, लेकिन सबसे पहला टारगेट है उसको पकड़ना है। अपना टारगेट ना यही रहेगा कि बॉस को मारने के साथ साथ उसको पकड़ने की ट्राई करनी है पहले। अगर नहीं पकड़ में आया तब उसको निपटा देंगे, ऐसा करना है आपसे। ओ ये आदमी कौन है भाई? ब्लैक मार्केटर, ये कुछ बात करने के लिए है क्या? रुक देखते हैं, कुछ सामान बेचता है क्या भाई? क्या आदमी खतरनाक लग रहा है भाई देखने में तो। अच्छा भाई ये तो खतरनाक बेच रहा है, पर ज्यादा खतरनाक लग नहीं रहा है देखने में। सबका तो अटैक जेम में एकदम सस्ता सा है, लेकिन ये कोई दे रहा है भाई। मैं अपने पाल्स भी यहाँ पे सेल कर सकता हूँ भाई, इसको कोई बेचना हो तो। इसको मार दें भाई, 40 लेवल का भाई, ये मरेगा नहीं जल्दी। ये भाई चोर आदमी है भाई, ये सामान बेचता है अपने को पाल्स ला के। वो वैसे देखा जाए ना ये एरिया भी सही है काफी ज्यादा बेस बनाने के लिए। सबसे पहले उसको एक्टिवेट करो भाई, सबसे ज्यादा जरूरी ये है अभी फिलहाल के लिए। तो देखते हैं भाई इस पैंकिंग को अपन पकड़ पाएंगे क्या नहीं पकड़ पाएंगे। बाकी ट्राई तो अपन को फुल करनी है, थोड़ा सा पीछे रहो भाई। कोई आई नहीं? आ गया ना भाई, मुझे लगा कोई है ही नहीं। अपने इसकी हेल्प लेते हैं, सबसे बेस्ट आदमी ये है अपना, क्या नाम था उसका, रोबिन क्विल। हाँ ये सबसे बढ़िया आदमी है, मस्त तरीके से हेल्प करता है ये भाई। इस बात का ध्यान रखना है कि मन ना जाए, सबसे पहले भाई इनको उड़ाओ, ये इसके बच्चे हैं ना, ये काफी ज्यादा परेशान करेंगे, इनको निपटा देता हूँ मैं बीच में से। एक गया, अरे ये मेरे पीछे पड़ रखा है यार ये पेंगुइन, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा भाई। जमा क्यों रहा है भाई, क्या खतरनाक आदमी है भाई, ये मेरे पीछे पड़ रखा है। और ना ये अपना ये जो रोबिन कोइल है इनको मार रहा है छोटे छोटे को, देखिए दिक्कत हो रही है भाई उसको मार। ओए भाई बहुत सही हेल्थ कम कर रहे, तो रुको बस भाई, क्या हेल्थ कम की उसकी, आधी होगी बस भाई, बस एक और बार मार दे मैं इसको वो कर लूंगा भाई। नहीं इसको उठाना पड़ेगा भाई, ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसकी हेल्प नहीं लेनी है, ये तो निपटा देगा भाई एक बार में ही भाई। इससे ज्यादा हेल्प मत ले, इसकी हेल्प लेते हैं थोड़ी बहुत भाई। मार मत दियो उसको, बस तू मार मत दियो भाई, मारना नहीं है यार। ये भी मार देगा कि हेल्थ ये भी ठीक ठाक है, कम कर रहा है मेरे हिसाब से तो। मार भाई मार 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 भाई, थोड़े से और कम हो जाए ना मैं इसको पकड़ लूंगा मेरे हिसाब से। अरे नहीं यार ये मेरे ऊपर अटैक कर रहा, रुक बस बस अब मैं इसको पकड़ने की 36% आराम से पकड़ लूंगा भाई। लो भाई पकड़ लिया, कोई फाइट थी आ जाएगा ना भाई, बेइज्जती मत करा दी। हाँ बस 80% हो गया, अब तो आ गया भाई फाइनली। अपन ने पहला बॉस पकड़ लिया भाई अपन ने फाइनली। अब मैं थोड़ा बहुत पावरफुल हो गया हूँ भाई, अब मैं बॉस इसको ऐसे ही निपटा सकता हूँ। बाकी इसको ये 1 घंटे का सारा रिस्पॉन हो जाएगा, पर इसकी जरूरत नहीं अभी फिलहाल भाई। 226 डैमेज है, काफी अच्छा है 15 लेवल पे भी। और माइनिंग लेवल 2 है भाई, माइनिंग बढ़िया करेगा। एक काम करते कटी हुआ हटा, तू आ जा भाई, ये है ना बढ़िया आदमी भाई, क्या आदमी है यार ये भाई, ये तो बढ़िया है। इसको अपनी यार इसको काम करवाए कि इसको फाइट में यूज करे, अटैक डैमेज भी ठीक है, पर मुझे थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा इसको पहले। देखो बाकी अभी मैंने ये तो एक्सप्लोर कर लिया, मैं बाकी एक्सप्लोर करने वाला हूँ इधर वाला एरिया, चलते इधर एक्सप्लोर करते थोड़ा सा ना, ये काफी सही रहेगा मेरे हिसाब से। इस वाले से फाइट करें, 23 लेवल का ये मेरे हिसाब से, एक बार देखते हैं भाई इससे निपटा के देखते हैं, जो होगा देखी जाएगी। फाइट कर लेंगे, मरना होगा मर जाएंगे, वरना कोई नहीं मर जाएंगे नहीं मार देंगे, दिक्कत करते थोड़ी ना किसी। और तुम्हारा भाई इतना कमजोर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब मैं आ चुका हूँ दूसरे बॉस से फाइट करने के लिए, जो कि यहीं पे तो रहता है भाई बेस में, तो यहीं दिखा रहा है। पानी के अंदर ना हो यार, पानी वाले सही में थोड़ा ना पावरफुल नहीं हो। हाँ चल पानी के अंदर नहीं है, आइलैंड के ऊपर है। बाकी देखते हैं भाई इस वाले को अपन पकड़ पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे। इसको भी पकड़ने का मैं पूरी ट्राई करूंगा भाई, ये खतरनाक लग रहा है भाई। लोग क्या जा रोबिन क्विल की हेल्प लेंगे, सबसे बेस्ट आदमी यही है अपना भाई। मारना उसको, मेरे ऊपर पीछे मत आ, इसको मार बस तू, इसको मार, इसको निपटाना है। ये भाई दिखने में खतरनाक से लग रही है भाई, ये तो भाई ये ना आग लगा दे रही है, तो मुझे ना पानी वाला यूज करना चाहिए। रुको भाई मैं गया, मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी थी यार, ये ना आग लग गई है, सबसे मेन दिक्कत ये है भाई। मार उसको मार, ये आग लगा रही है मेरे से, ये मेरे पीछे क्यों पड़ रखी है यार। एक सेकंड मुझे बचना पड़ेगा भाई, ये आग की वजह से ना मेरी हेल्थ बहुत जल्दी डाउन होगी, वरना मैं जल्दी इसको निपटा सकता था, वरना इसको निपटाना कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे हिसाब से तो भाई। वो फाइट कर रहा है उससे फाइट कर, बाकी मैं भी बीच बीच में थोड़ी बहुत हेल्प करूंगा। मेरे को मत मारियो, मेरी हेल्थ थोड़ी बहुत और बढ़ जाए भाई आग लग के ना। ये थोड़ा ना चैलेंजिंग है, पर इतना भी नहीं है भाई। मैं भाई क्या कर रहा है वो घोचू आदमी, मारना भाई। अरे यार इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी मुझे, पता नहीं बीच में खड़ा है मतलब मार ही नहीं रहा उसको। मैं सिर्फ भाग रहा हूँ भाई, मैं भागता ही रहूँगा लग रहा है। अपना नाइट विंग थोड़ी बहुत हेल्प कर दे अपनी तो बढ़िया भाई। नाइट विंग भी गया क्या? नहीं अभी है, थोड़ी सी हेल्थ है उसकी भी भाई। मुझे बच के रहना पड़ेगा भाई, ये ना जला दे रही है सबको, मुझे ऐसे ही लग रहा है, इसलिए ना सब लड़ नहीं रहे हैं चलते वक्त भाई। जा रोबिन क्विल तू ही हेल्प कर सकता है मेरी, बस उसको निपटा, थोड़ा सा बस जलियो मत, जलने के काम मत करियो भाई, ये जला दे रही है सबको देख, इसलिए ना वो अटैक ही नहीं कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। मैं भी जल जा रहा हूँ तो मेरी भी हालत खराब हो जा रही है, बाकी ये भी जला दे रही है भाई इन सबको भी। तो मुझे ना पानी वाला यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से भाई। क्या पीछे पीछे लड़ रहा है भाई, मारना उसको जाके। वैसे मार तो रहा भाई, अच्छा खासा डैमेज दे रहा है, बढ़िया वाला डैमेज दे रहा है, लेकिन नहीं इसको मैं नहीं छोड़ूंगा भाई। अब देख तू
उसको भाई निशाने भी तो ऐसे टट्टी वाले मेरे, इसलिए हाँ देखो यही है आग के लिए ना पानी वाला यूज करो, ये सबसे मस्त है, हाईली इफेक्टिव। भाई क्या डैमेज दिया है, खतरनाक। अरे यार जस्ट मिस भाई, बच जाता है, बच गया थोड़ा सा। बस इस बात का ध्यान रखना है पूरा ना मार दे इसको भाई, उतना ही रखना है कि मैं इसको कैप्चर कर सकूं, क्योंकि मुझे ट्राई तो करनी है भाई इसको पकड़ने का फुल। अभी तो इसकी हेल्थ है अभी 20-30%, तो आराम से भी मैं फाइट कर सकता हूं। थोड़े बहुत हिट देने पड़ेगा भाई, उसी को चला दिया भाई, वो खुद ही चल गई बता। मैं इसको ट्राई करूँ पकड़ने का, 4% आ रहा भी नहीं अभी, नहीं थोड़ा सा और हेल्थ डाउन हो जाने देते हैं फिर ट्राई करेंगे पकड़ने का। मेरे हिसाब से ट्राई करना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं एक और हिट देते मैं इसको वो ले लूँगा। आ जा जेम में, आ तू जेम में, आ 4%, 16% तू पहले जेम में आ भाई, इन सब की हेल्प नहीं लेनी है, मेरे हिसाब से मार देंगे, पकड़ लूंगा आराम से। आ गया भाई फाइनली, अपन ने आज दूसरा मॉब पकड़ लिया, दूसरा मॉब नहीं भाई बॉस पकड़ा भाई फाइनली। आज अपन ने दो बॉस पकड़ लिया इतनी जल्दी, बस क्योंकि पावरफुल हो गया हूं भाई दो के, अब तो सारे बॉसों को पकड़ लूंगा भाई, फिर उसके बाद खतरनाक हो जाऊंगा फिर मैं। बाकी बेस पे चलते हैं पहले फटाफट, अब देखते हैं जिसको मैं पकड़ के लाऊं वो कितना ज्यादा ताग। 334 भाई अटैक डैमेज तो बहुत खतरनाक है इसका। कहां गया ये देखो भाई, ये है ना खतरनाक वाला बंदा भाई। आर्मर डैमेज, मुझे आर्मर को भी रिपेयर करना है। देखो दो को तो मैं निपटा दिया, दो को पकड़ भी लिया एकदम सक्सेसफुली। अब मैं जाने वाला हूं बाकी बॉस को निपटाने के लिए, बाकी इस साइड तो कोई बॉस ही नहीं, इन सबको मैंने ऑलरेडी निपटा दिया है। एक चिलेट भी था, ये पता नहीं काम का है कि नहीं, ये मर गया था, इसको मैं पकड़ नहीं पाया था। बाकी एक यूनिवॉल्ट भी है, सो रहा हूं इसको पकड़ने की ट्राई करें। ये थोड़ा ना मतलब ग्राउंड पे है, मैं पानी वालों से भी लड़ना नहीं चाह रहा, पानी वाले थोड़े से ना मुश्किल हो सकते हैं, इसलिए मैं पानी वाले से लड़ नहीं रहा हूं। बाकी अब मैं जा रहा हूं यूनिवॉल्ट से फाइट करने के लिए भाई, अपनी आर्मी थोड़ी सी रेडी कर लेते हैं, आर्मी इस बार अच्छी लेके जाऊंगा मैं। ये बूशी से फाइट करे, उसी से ही लग रहा है 23 लेवल का, ये तो 31 का ना, उसी से फाइट करते हैं। पता नहीं कैसा होगा, मुझे भी आइडिया नहीं है इसका, पर फाइट करके इसको भी कैप्चर करने की फुल ट्राई करनी है। मेरे पास सामान तो है ना, मेरे पास देखो गीगा स्पेयर भी है, मेगा स्पेयर भी है, 7 गीगा और 40 है ना, 40 अपने पास मेगा, तो इसीलिए अपन पकड़ सकते हैं। बाकी अपने को इधर जाना है, बूसी से फाइट करनी है भाई। बाकी भाई ये अपना तीसरा बॉस है, आज अपन ने इसको पकड़ लिया ना भाई, हैट्रिक हो जाएगी भाई लगातार, क्योंकि अभी मैं एक बार भी नहीं मरा हूं, और ऐसा चांस भी नहीं हुआ कि मैंने उसको मार दिया और मैं नहीं पकड़ पाया, ऐसा भी नहीं हुआ, तो हैट्रिक बोला ये अपनी। इसके बाद देखते हैं क्या होता है, बाकी फाइनली इसको भी निपटाएंगे। अब बूसी के साथ यार मुझे पानी वाला लेके आना चाहिए था यार, बूसी के साथ पानी वाला इफेक्टिव ज्यादा रहेगा, ये भूसी आग फेंकता है ना। बाकी देखते हैं जो होगा देखी की जाएगी, बाकी भूसी भी पकड़ा जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। पहले इससे फाइट करते हैं, उसके बाद मैं पानी वाले को भी छोड़ूंगा, पानी वाला लाया ना, यस अपने पास है भूसी भी, यह पकड़ लूंगा इसको भी लग रहा है मुझे, फुल उम्मीद है भूसी भी अपने हाथों में आने वाला है। अब पहले इसी से ट्राई करते हैं भाई, पहले पानी वाले से देखते हैं इफेक्टिव है, हाईली इफेक्टिव लिखा तो भाई क्या डैमेज दिया इसने खतरनाक, ये भी मस्त डैमेज दे रहा भाई इसको। बाकी मैं भी तो बढ़िया डैमेज दे रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है कि वही अकेला डैमेज दे रहा है, मैं भी हेडशॉट पे हेडशॉट मारे जा रहा हूँ। लो एक और मारा हेडशॉट, बाकी मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा थोड़ा सा दूर। भाई क्या पकड़ लेता है क्या भाई टेलीपोर्ट, भाई रुक जा भाई भूसी रुक जा, तेरी ऐसी की तैसी मैं बताऊँ, रुक जा भीतर को टेलीपोर्ट मार रहा भाई, क्या काला जादू करता है क्या ये आदमी। 40% तो इसकी हेल्थ हो चुकी है, थोड़ी सी और डाउन करनी भाई, काफी एक ने अपनी काफी एक ने काफी अच्छी खासी हेल्थ कम कर दी इसकी, 50% होने वाली है ऑलमोस्ट, थोड़े बहुत और भाई इस थोड़ा बहुत ये गया बस, पकड़ लूंगा इसको भी इजीली मेरे हिसाब से। तो भाई ये खतरनाक सा तो है भाई, मार तो अच्छे खासे रहा भाई। अरे यार क्या करा मेरी शील्ड भी तोड़ दी इसने भाई, ये थोड़ा सा और डैमेज करना है, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत और, थोड़ा सा और ज्यादा नहीं थोड़ा सा और, उस पर ध्यान देना भाई, मेरे ऊपर क्या ध्यान दे रहा है। रोबिन क्विल भाई तगड़ा आदमी है भाई, ये भी निपटा देगा इसको। अरे भाई ये ना बहुत गंदा है, ये अचानक से सामने आया था ना मुंह के सामने, ये बड़ा गंदा लगता है मेरे को, मुंह के सामने बताया कर भाई, पीछे से हमला कर रहा है। और बाकी बस थोड़ी सी और हेल्थ इसकी डाउन करनी है, बस बस थोड़ा सा और, बस ये आ जाएगा हाथ में अपने, आ जा भाई पकड़ में आ जा भाई पकड़ में आ जा यार, थोड़ी सी और हेल्थ डाउन करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से। नहीं आएगा, आ सकता है, नहीं आया, कोई नहीं है, कैसे कैसे नहीं, अब तो आएगा, एक और डैमेज देना पड़ेगा फिर आ जाएगा मेरे हिसाब से, अब आ जाएगा, अब तो आना चाहिए भाई, अब तो आना चाहिए यार, आ जा भाई आ जा, नहीं आया अभी भी भाई, इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल तो है। मैं गीगा वाली यूज़ कर दूँ क्या, अब सोच रहा हूँ अगली बार गीगा यूज़ करूँगा, अब मैं इस बार गीगा यूज़ कर दूँगा, नहीं आया तो ये, अब तो आएगा, अब तो आना चाहिए भाई, मैंने काफ़ी हेल्थ कम कर दी है इसकी, आ जा यार, हाँ आ जा। अरे भाई एक और डैमेज, अब आ जाएगा मेरे हिसाब से, एक और डैमेज, एक और हिट, अब आ जाएगा, आ जाना चाहिए यार, अब तो आ जा भाई, मैं दो यूज़ कर चुका हूँ गीगा वाली, प्लीज आ जा यार, आ जा पकड़ में, 70% आ गया फाइनली भाई, फाइनली पूसी को भी अपन ने पकड़ लिया भाई, हैट्रिक मार दी तुम्हारे भाई ने, देख रहे हो लगातार 3 बॉस को पकड़ लिया भाई, लेकिन इसने बैंड बजाई भाई थोड़ी सी, कह सकते हो भाई ये थोड़ा बढ़िया था भाई, इससे फाइट करने में थोड़ा लगा कि हाँ थोड़ा सा कोल्ड हो रखा भाई, अपने को आर्मर दूसरा पहनना पड़ेगा, कोल्ड वाला ये है ना मेरे सबसे, हाँ ये ठीक है,
आर्मर भी में वैरायटी है भाई, काफी बढ़िया बढ़िया। सब खर्राटे मार रहे हैं, थोड़ा सा हम भी खर्राटे मार लेते हैं यार। चलो फाइनल यहाँ पे सुबह तो हो चुकी है, बाकी मेरे यहाँ पे सबसे पहले वो देखना भूसी क्या काम करता है। देखो सबसे पहले मुझे एक और चीज करनी है, मेरे पास ना एक चीज आया था, बाकी मेरे पास यहाँ पे फ्रोजन एग भी, एक फ्रोजन एग भी डाल देते हैं, देखते हैं। पहले भूसी को निकालो भाई, सबसे मेन तो भूसी है। कहाँ गया अपना भूसी? ये रहा भूसी का 360 है भाई, ये भी खतरनाक है भाई, ये तो बेकार हो गया, अभी इसको निकालना पड़ेगा मेरे सबसे। बाकी काफी बढ़िया बढ़िया है। मेन तो मुझे ना माइनिंग वाला चाहिए, देखो ये तो मेरे पास माइनिंग के लिए सिर्फ पैंकिंग है अपने पास। माइनिंग वाला होगा ना तो सही रहेगा, और वगैरह माइन करने के लिए सबसे ज्यादा पैंकिंग की जरूरत पड़ेगी अपने को। बाकी मेरे पास ना सबसे जो कमी पड़ रही है वो स्टोन की पड़ रही है और ओर्स वगैरह की पड़ रही है, क्योंकि माइनिंग नहीं कर रहा, कोई माइनिंग का है ही नहीं, मुझे आके माइनिंग करनी पड़ेगी। ये बताओ मस्त, देखो लकड़ियां बहुत जमा हो जाती है, लकड़ियां तो काफी सारी होगी अपने पास। बाकी देखो खाली पड़े हैं भाई, लग जाओ यार इन पे भी काम पे, लगो यार। मार कौन रहा है? ये कौन मार रहा है भाई? और कौन माइन कर रहा है? ये देखो भाई कौन माइन कर रहा है भाई, बताओ ये माइन कर रहा है क्या? ये तो माइन करता ही नहीं है, कर कौन रहा है भाई माइन? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, कौन माइन कर रहा है अपना भूसी? ये रहा ना भाई, क्या खतरनाक भाई, कितना बड़ा आदमी है ये भूसी भाई, ये तो सही है काफी। देखो मैंने एक चीज देखी थी, हम ना ब्रीड करा सकते हैं, ब्रीड के लिए अपन को ना केक चाहिए। सबसे पहले मेरा टारगेट है केक बना लूं, केक ही ना, केक के लिए फ्लोर चाहिए, मिल्क चाहिए, एग चाहिए, हनी चाहिए, कुछ भी नहीं अपने पास, सिर्फ रेड बेरीज है, क्योंकि मैं खरीद के ला सकता हूं, सोच रहा हूं मैं खरीद के लाता हूं। पहले खरीदने के लिए अपने को यहां पे जाना पड़ेगा, सब कुछ मिल जाएगा अपने को, फ्लोर, मिल्क, ब्रेड वगैरह, पता नहीं क्या चाहिए, ब्रेड थोड़ी नहीं चाहिए, फ्लोर चाहिए था बस। पैसे अपने पास काफी सारे हैं, देखो अपने बहुत ना मिल्क चाहिए, तो एग भी चाहिए था क्या? एग का मुझे आइडिया नहीं है, पर मैं फिर भी खरीद ले रहा हूँ, बाय चांस जरूरत पड़ेगी तो दोबारा कौन आएगा, इसलिए मैंने तीनों चीजें यहाँ से खरीद ली हैं। देखो हैट्रिक तो अपन मार चुके, अब मैं चौपर हैट्रिक तो अपन ने मार दिया, अब मैं चौथा मॉब पकड़ने जा रहा हूँ, जो कि है यूनिवॉल्ट। मॉब नहीं भाई, मॉब क्यों बोल देता हूँ हमेशा, यानी चौथा बॉस अपन पकड़ने वाले हैं, जो कि है यूनिवॉल्ट। देखते हैं किसका काम आएगा, ये कोई हिरण जैसा लग रहा है देखने में तो, जैसा अपना डियर जो मैं पकड़ के लाया था ना पहला, उस जैसा लग रहा है ये भी। वो यहाँ भी बेस बना सकते हैं देखा जाए तो, बस और वगैरह होनी चाहिए स्टोन के, और जो होते हैं नॉर्मली वहां से जल्दी रिसोर्सेज जमा होते हैं, वहां पे होगा ना, वहां पे बेस बनाऊंगा। जहां मैंने अभी बनाया वो तो एरिया देख के मैंने बना लिया, यहाँ पे एरिया सही लग रहा था इसलिए मैंने बना लिया है। बाकी यूनिवॉल्ट कहाँ पे है? बस यहीं पे है आसपास, तो इधर ही होना चाहिए भाई, दिख तो रानी है वो कहाँ है। अच्छा ये है भाई बॉस, तुम हो, आ जाओ, तुमसे पहले निपटेंगे, जिसके लिए अपन क्या इफेक्टिव होगा ये नहीं समझ में आ रहा मेरे से। तो फाइट कर, बैंड बजा उसकी, उसकी बैंड बजा भाई, मेरे पास मत आ यार, उसकी बैंड बजानी है, मेरे पास मत आ, जा जा फटाफट जाके बैंड बजा उसकी। इसकी हेल्थ है 2237, अच्छी खासी हेल्थ है, मतलब भूसी भी भाई नहीं है इफेक्टिव इसके सामने, इसकी तो वाट लगा दी उसने भाई। नहीं पहला लग रहा है ये बॉस, मैं ज्यादा हल्के में ले रहा हूँ भाई, ये हल्का नहीं है, ये मेरे ऊपर मेरा एम कर लिया, मुझे निकलना पड़ेगा भाई, मेरे को लॉक मत करे, करंट दे देगा फिर, बच गया बच गया, क्या बचाऊ मैं, भूसी तो काम का लग नहीं रहा मेरे सबसे, भूसी काम कर पाएगा इस वाले को यूज करके रखते हैं भाई। भाई खतरनाक खतरनाक भूसी, भूसी कुछ नहीं कर पाया भाई, घटिया भूसी आदमी कुछ नहीं कर पा रहा भाई, इसको नहीं मार पा रहा वो भाई, ये लग रहा है मेरे सबसे, ये इसको नहीं पकड़ पाऊंगा ये मुझे लग रहा है भाई। यार ये करंट बड़ा गंदा दे रहा है यार, आर्मर इज डैमेज, एक बार में आर्मर डैमेज कर दिया क्या इसने? नहीं भाई इसको पकड़ना मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है भाई इसको पकड़ना भाई, बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा नहीं ज्यादा। कॉम्बैट की हालत खराब होगी, मैं नाइट विंग को अभी यूज करने वाला हूँ, नाइट विंग शायद थोड़ा सा इफेक्टिव है मेरे हिसाब से इनके सामने, नाइट विंग थोड़ी सी हेल्थ कम कर दे रहा है अच्छी खासी इसकी, ये थोड़ा सा ताकतवर है भाई, देखा जाए भाई ये है खतरनाक बंदा, ये खतरनाक बंदा भाई, इसकी हेल्थ बिल्कुल कम नहीं हो। नाइट विंग अब मेरा ही वाला है ना नाइट विंग, हाँ भाई मार क्यों नहीं पा रहा इसको, फिर मानना भाई क्या कर रहा है ये मेरे ऊपर आ रहा है, नहीं मुझे भगना पड़ेगा, मुझे भगना चाहिए, नाइट विंग बचा ले, क्या कर रहा है यार बचा ले मुझे, उसकी खुद बैंड बज गई, इसकी खुद बैंड बजी, मुझे क्या बचाएगा वो। अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ अपना भूसी को फिर से, भूसी के बाद मैं सोच रहा हूँ इसको यूज़ किया जाए, क्या था अपना रोबिन क्विल, इसकी हेल्प ली जाए। अरे नहीं मेरे पास मत आ, मेरे पास मत आ भाई, 1800 डैमेज अभी बात किया सिर्फ, अरे नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा इसके अगेंस्ट कौन सा पावरफुल होगा भाई, ये कौन सा आदमी है, फायर वाला भी नहीं, ये बिजली वाला है ना, करंट के इफेक्टिव में कौन सा रह सकता है भाई, करंट मिट्टी से बच सकता है तो मिट्टी वाला कौन है भाई, मुझे मिट्टी वाला पकड़ना पड़ेगा कोई, वो इफेक्टिव रहेगा इसके सामने। ठीक है रोबिन क्विल की हेल्प लेते हैं, इसके सामने कोई इफेक्टिव नहीं लग रहा भाई, ये हालत खराब कर दे रहा भाई अपनी। अरे मेरे पास फूड भी नहीं है भाई खाने को, भाई मैं गया, अपने पास फूड भी नहीं है खाने को, मैं फूड लेके नहीं आया भाई, क्या भाई ये, और रूबी निकल जा पिट जाएगी मैं बताऊँ भाई, नहीं यार इससे नहीं भाई, इससे नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, गया पानी वाला यूज़ करके देखते हैं, आ जाए पानी वाला इफेक्टिव रहेगा इसके सामने, मुझे नहीं लगता इफेक्टिव होगा भाई। मैं फूड क्यों नहीं लेके आया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा मेरा फूड कहाँ गया, या फिर मैंने खा लिया सारा, ऐसा कैसा हो सकता है भाई, मैंने अपना सारा फूड इसमें रखा था ना, अच्छा वो सारा खत्म हो गया भाई फूड स्लॉट वाला, अब मेरे पास कुछ नहीं है, इसको खा सकते हैं अपन, इसको खा सकते हैं, वीट से कुछ नहीं होगा लेकिन, ठीक है अपन ने वीट से काम चलाया फिलहाल तो भाई, इससे कोई नहीं लड़ पा रहा, ये ना मार दे रहा सबको, ये थोड़ा पावरफुल है भाई, इससे लड़ना थोड़ा सा मैंने भारी पड़ गया, हैट्रिक मार के सोचा था तो चार पकड़ लूंगा भाई, चार वाली हैट्रिक नहीं लगेगी अपने पास,
ये खतरनाक है भाई, ये खतरनाक है। पहली बात तो मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा यार, मिल्क पी सकता हूँ क्या? मिल्क ही पी लेते हैं भाई, मुझे दोबारा खरीदने जाना पड़ेगा। केक के लिए लेके आया था मैं, अपने केक बना दिए, बताओ हक दिया। थोड़ा तो मुश्किल है भाई इससे फाइट करना, अभी फिलहाल इससे मैं नहीं लड़ पाऊंगा, लग तो ही रहा है। देखो अब मैं सोच रहा हूँ ना, नई जगह एक्सप्लोर करते हैं, इसके आगे का मतलब इस साइड का मैं एक्सप्लोर करने की सोच रहा हूँ, जो कि अपन यहाँ से जा सकते हैं, नेचुरल ब्रिज है ना, नेचुरल ब्रिज से जा सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर एक एग भी हैच होने के लिए रखा था, जो कि था एक फ्रोजन एग, जिससे अपन को कुछ मिलेगा। ये जिलेट, और जिलेट मिल गया, ये तो वही बॉस है ना शायद, मेरे हिसाब से बॉस है, इसको मैंने डिफीट किया होता है, ये वाला मिल गया ना अपने को। एक काम, इस साइड चल के देखते हैं भाई, एकदम मस्त तरीके से सारा एक्सप्लोर मारेंगे, कोई भी नया बॉस देखा पेल देंगे भाई। लेकिन मैंने एक गड़बड़ कर दी ना, मैं ना वो नहीं लेके आया ना, अपने वुल्फ को लेके आ रखा हूँ मैं, क्योंकि हाँ वुल्फ है ना अपने पास, वुल्फ सबसे ना सही रहता है। बाकी वहाँ पर एक मुझे चेस्ट भी दिख रही है, कुछ भी कहो भाई, अपना वुल्फ एकदम बेस्ट है, पानी में तैर भी लेता है मस्त तरीके से, और जमीन पे मस्त तरीके से भागता है भाई, बेस्ट है ये भी। वहाँ पर अपने को फास्ट ट्रेवल तो दिख रहा है एक, लेकिन ये बर्फ वाला एरिया है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बर्फ वगैरह मिलेगी अपने को। फाइनली इस वाले आइलैंड पे अपन आ चुके हैं, जो कि भाई एक सेकंड, मैंने यहाँ पे वो भी देखा था ना फास्ट ट्रेवल, उसको एक्टिवेट करने दो पहले तो। ओ ये कौन है, इनको पकड़े भाई, पांडा जैसा लग रहा है भाई। तो पहले चेस्ट में से अपने कुछ खास मिला नहीं भाई, पांडा है 25 लेवल का और एक 28 लेवल का है, पर यार दो है ये, मेरे को पता नहीं कि कितना डैमेज देते होंगे। अगर इनमें से एक भी सही हुआ ना, मतलब अगर एक एक करके मिलेंगे तो मैं इनको मार सकता हूँ, पर यार ये भी तो बंदे हैं, तुम आपस में, अरे इनको मार रहे, चलो मारो, मैं बाद में कैप्चर करने की कोशिश करूंगा, तुम मारो पहले। भाई ये बहुत तगड़े हैं सही में, इनको लपेट दिया, फायदा तो उठाऊंगा भाई, ये जैसे मर जाएंगे तब फायदा उठाऊंगा, अभी नहीं, इनको पकड़ना तो है भाई। आधी आधी हेल्थ करते हैं, थोड़ी एक को मार दिया ना ये, फिर दूसरे को मैं पकड़ने की फुल ट्राई करूंगा, बस एक मर जाए भाई, मारना भाई मार यार, इतना क्या डर है, मारो ना भाई। देखा जाए तो भाई पावर कम कर नहीं पाए हैं ये सारे मिलके भी, पर यार ये दो दो हैं यार, एक मेल एक फीमेल, आगे भाई चार बंदे और आगे, भाई एक को निपटा दो यार, तुम कैसे करके, बस एक को निपटा दो, ज्यादा नहीं एक को निपटा दो, बाकी मैं देख लूंगा जो भी सीन है, अभी तो मैं फिलहाल तो मजे ले रहा हूँ बस। ओ भाई एक की हेल्थ काफी ज्यादा कम कर दी, मैं पकड़ने की कोशिश करूँ, नहीं उसको तो ये मार देंगे लग रहा है, मैं इसको पकड़ लूंगा, रुको अपने इसको यूज कर, अरे भाई क्या फेंक रहा है ये, पत्थर यूज कर रहा है भाई ये तो, मैं अपनी भूसी को यूज करता हूँ, रुको भाई मार तो खतरनाक रहा है, रुको अपना भूसी भी काफी बढ़िया है भाई, मेरे को मत मार यार, ये कैसा बंदा है ये, अरे भाई मैं मारता तो मेरे पीछे पड़ जाता, मुझे दूर रहना पड़ेगा इससे। इसका नाम है मोसांडा, मोसांडा नाम है भाई इसका, मैं इसको कैप्चर कर सकता हूँ, नहीं अभी तो काफी कम चांस आ रहा है, 1.5% आ रहा है, इतने में तो कुछ नहीं होगा, बाकी थोड़ी सी और पावर कम करते भाई ये। अरे यार उसको उसने पकड़ लिया मेरे भूसे को, ये तीन है ना पीछे गार्ड से बंदे, कहां से आगे पता नहीं है भाई, कुछ भी कहो बचा तो रहा है भूसी अपना, काफी बढ़िया बनता है ये, थोड़ा सा और मुझे इसकी पावर कम करनी पड़ेगी। ओ भाई साहब इसने भूसी को भी लपेटे में ले लिया भाई, मैं इसके ऊपर ना गीगा वाली यूज करने वाला हूँ, सोचा अभी तो मेगा यूज किया है, अगली बार मैं गीगा यूज करूंगा, मुझे पता ही है पकड़ में आ सकता है, रुको रुको, अरे नहीं इसको पकड़ा से पहले मैंने, अरे इतना अच्छा मौका था यार मैंने गवा दिया, मैंने मतलब यार मैंने पकड़ लिया अपने, उई ओ भाई नहीं नहीं नहीं, अरे फटेंगे टाइम बॉम्ब है, अरे भाग भाग भाई भाग भाग, ओ भाई क्या बचाऊं मैं, किसने बचाया मेरे को, किसी ने तो बचाया भाई मेरे, उसने मार भाई इसको पकड़ूंगा अब मैं, इसको तो अपन को पकड़, भाई मारा किसने इसको, तुम ये ना बहुत बेकार है, खतरनाक है भाई इसको पकड़ना सही में, फट गया ये, अच्छा ये पूरा मर जाते भाई, मोसांडा एक पकड़ में आ जाता भाई, किस्मत है अपनी थोड़ी सी ज्यादा खराब हो गई यार, हमेशा ऐसे होता है भाई मेरे साथ, जब जब मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ हो जाता है, मैंने अपनी ये वाली यूज कर दी थी गीगा वाली, फिर भी भाई पकड़ में 100% आया था यार वो। देखो दो मुसांडे यहाँ भी है, मैं इनको ही पकड़ सकता हूँ, दो है एक होगा तभी पकड़ूंगा भाई, दो तो काफी ज्यादा मुश्किल है इनको पकड़ने एक साथ भाई। इस एरिया में काफी सारे नए नए पाल्स हैं जिनको भाई मैंने एक बार भी नहीं देखा है, तो मैं अभी इस फिर दिन में आऊंगा भाई, रात में आना बिल्कुल ठीक नहीं, सबसे पहले करते हैं इसको एक्टिवेट और यहाँ से चलते हैं एक बार घर चलते हैं, पहले सो के आते हैं भाई, सुबह करेंगे जो भी काम अपने को करना है। देखो अपने काफी सारे बॉस से तो फाइट कर लिए, इस वाले बॉस से अपन को फाइट नहीं करनी है, 35 लेवल का वैसे ही, और इसको मैं वैसे ही नहीं पकड़ पाऊंगा, इसलिए यहाँ पर जो मुझे दिख रहे हैं ना नए नए पाल्स इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, बाकी ये तो भाई तीन के झुंड में है तो इनको पकड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि जो ऐसा मिल जाए जो अकेला, ओह इसको पकड़ सकते हैं, अकेला है ना ये, इसके लिए अपनी भूसी का यूज करते हैं, मेरे हिसाब से ये पकड़ने इसको सही रहेगा, भूसी जा उसका भूस भर दे, बस थोड़ा सा मुझे बचा के रखना है, बस उसको पकड़ना है, इतना मत मारती हो कि उसकी भाई वाट लगा दे, ये मेरे ऊपर क्यों आ रहा है भाई मारने, मेरे ऊपर मत आ, मेरे पास मत आया कर, मेरे पास आने का ही नहीं है मेरे को, उससे लड़ना तो आराम से लड़ो, तुम आराम से लड़ो, मारो भाई आराम से मारो, मारना भाई इसको मार, बाकी मैं तेरी हेल्प करता रहूंगा बीच बीच में, तू मारना उसको। अरे ये तीन कहां से आ गए भाई, नहीं भाई ये तो फटने वाले हैं यार, ये तो सबसे गलत है, मैं मर जाऊंगा फटे तो, ये यही दिक्कत है भाई, ये फट जाते हैं ये बंदे भाई, भूसी इसको मार भूसी, ये आए कैसे भाई, ये बड़े गंदे हैं भाई, रुको मरना नीचे यार वो, अरे नहीं यार फट जा मेरी हेल्थ जाएगी, ठीक है चलेगा, और
यार ये ना बहुत बेकार है भाई, इतना आसानी से मैं पकड़ सकता था इस बंदर को, पता नहीं क्या नाम था उसका भाई, बहुत सही था यार वो। कोई नहीं, इस बार तो मैं फुल ट्राई करने वाला हूँ, इस बार और मौका देंगे, इस बार तो पकड़ लूंगा। मेरे हिसाब से मैं ज्यादा दूर वैसे मरा नहीं हूँ, उसी के पास में मरा हूँ, ये तो सही है। चलो ये रहा ना, हाँ बस अब तो ये गायब हो गया ना, अब तो मैं पकड़ लूंगा, अब वो नहीं है ना, ये सही है भाई। वो बंदे आ गए, थोड़ा सा दूर से फाइट करो, उधर नहीं जाना अपने को भाई, वो फटने वाली गलत आ गई, वरना तो मैं बहुत आसानी से अब पकड़ लेता भाई इसको। भाई ये क्या पत्थर से फेंकता है भाई, खतरनाक तो है भाई ये बंदा। मेरे हिसाब से इसकी ना पावर भी काफी अच्छी खासी होगी, बाकी भूसी भी अपना काफी ताकतवर हो गया भाई, मस्त तरीके से मार रहा भाई, भूसी अपना कम नहीं है भाई किसी से, पकड़ तो लूंगा भाई, ये आ जाएगा अपने। भाई क्या भाई, मुझे लगा भूसी मार रहा भाई, ये बंदर खतरनाक है, गोरिल्ला जैसा है एकदम काफी, लेकिन है बढ़िया भाई मेरे हिसाब से। मेरे एरोस खत्म हो गए क्या, रुको, अरे यार हमेशा मेरे साथ ही, मैंने जैसे उसको पकड़ा भाई, बजा दी भाई बैंड बजा दी इसने, बाकी मेरे एरोस खत्म हो गए क्या भाई, मेरे एरोस खत्म हो गए, मेरे पास सिर्फ फायर एरोस है भाई, मुझे एरोस लेके आनी चाहिए। एक काम करते पहले एरोस वगैरह लेके आते थोड़े बहुत, फिर यहाँ पे फाइट करेंगे। भाई स्टोन नहीं है मेरे पास भाई, क्या काम कर रहे हैं यार, स्टोन अपने पास क्यों नहीं आ रहा। मुझे ना माइनर कोई ऐसा पकड़ना पड़ेगा जो माइन कर सके सही से। यहाँ देखो स्टोन माइन हो भी रहा है 146, चलो थोड़ा सा तो आया, लेकिन भाई अपनी बैंड बज चुकी, लेकिन इसका ट्रिक अपन को आती है जो कि है हमारी वुल्फ की। बस वुल्फ पे बैठो और राइट क्लिक कर दो, बस इस तरह से पहुंचना होता है अपने को, बस जब भी अपने पास भारी सामान आ जाए मस्त तरीके से पहुंच जाएंगे। बस पहुंच गया, यहाँ से बना लेते हैं ढेर सारे एरोज मोसंडा, लेकिन यार ये दो दो हैं यार, फिर भाई दो ये भी आ गए यार, एक एक आना चाहिए था। मैं एक काम करता हूं, पहले ना एक बार निकल लेते हैं यहाँ से, एक राउंड मार के आते हैं भाई, लड़ाई नहीं करनी, आराम से चलेंगे, बाद में लड़ेंगे इनसे बाकी। अरे भाई मत मार भाई, बंदर तुम मारने लग रहा है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ फिलहाल, तो एक ढूंढेंगे, जहाँ एक होगा ना तब इनसे फाइट करेंगे। अभी मैं तो से फाइट करना बिल्कुल नहीं चाहता। यहाँ पे कोई अच्छा सा है, कोई बेकार सा कैद कर रहा है, कोई बढ़िया कैद कर रखा होगा ना तो ही जाओ। रुको लग तो रहा है कोई बढ़िया सा, रुको एक सेकंड चेक करने दो मेरे को, बढ़िया सा मुझे लगा तो था, पर ये तो बेकार सा लग रहा है देखने में, इतना रिस्क लेना ठीक है इसके लिए? देख लेते हैं, चलो जो होगा देखी जाएगी, वैसे भी मैं ज्यादा दूर हूँ नहीं। इधर इसको यूज कर देते हैं और मैं फटाफट जाके ना सिर्फ फाइट कर, मैं जाके ना इसको रिलीज कर दूंगा और सीधा भग ले आऊंगा। बस अपने को सिर्फ ये करना, ताला खोलना है, ये भूसी को मारने में बिजी रहेंगे, मैं ताला खोल के यहाँ से निकल लूंगा फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगाना अपने को। बस इस तरह से निकलना होता है, देखो इस तरह से करना होता है, फाइट के ना मजे ही नहीं लेने होते फाइट हर जगह नहीं करी जाती ना, बस यहाँ से बैठो और मस्त तरीके से भाग लो, कल्टी मारो भाई, कल्टी मार। बस ऐसे करना होता है, रिलीज एक मिल भी गया अपने को, फ्लॉपी मिला अपने को, फ्लॉपी है ना, देखते किस काम आएगा, बाद में चेक करेंगे। बाकी यहाँ से आगे चलते थोड़ा सा और, अरे ये है ना ये मार रहे हैं, अरे भाई करंट लगा दिया, रुको यार मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे लड़ने में, मैं ऊपर जा रहा हूँ यहाँ से। इनकी भी सिक्योरिटी ज्यादा टाइट रहती है भाई, पता नहीं कहाँ से आ जाते रोज रोज स्पॉन होके। ये तो है फिर यार, इनसे भी रिस्क है, ये बहुत बेकार है, ये फटने वाले ना बड़े गंदे लगते हैं, ऐसे तोता है वो, कोई फट जाता है ऐसी। बाकी एक एरिया नीचे, ओए नीचे पिंक वाला कौन है भाई, इसको पकड़ना बनता है भाई, पिंक मोसांडा जैसा लग रहा है पर ये पिंक टाइप का है, रुको इसको रिलीज कराते हैं, इसको पकड़ना बनता है, उसकी ट्रिक अपन को आती है, बहुत अच्छे से आती है वो की है उसी का यूज करेंगे मस्त तरीके से। ओए मोसांडा इसको पकड़ते हैं, रुको ये अकेला है, बस बस एक तो आ गया, अब एक तो अपने हाथ में है भाई, बस इसको मारना क्या कर रहा है, तो मार, मेरे पीछे मत आइए, मैं थोड़ा दूर लड़ना चाह रहा हूँ ताकि उनसे दूर रहे। मेरे को दो कैप्चर करने हैं कैसे करके, एक मोसांडा करना है ग्रीन वाला, एक येलो वाला अपने को जो पिंजड़े में दिख रहा है ना उसको ही पकड़ना है, उसको मारना भाई, भूसी मुझे क्या देख रहा है उसको मारना भाई, क्या मारता है भूसी, उड़ा उड़ा के मार रहा भाई, ये ग्रेविटी काम नहीं करती क्या इसके ऊपर भाई, पत्थर मार रहा भाई इसका मोसांडा का, सही में डैमेज बहुत सही है मेरे हिसाब से, तो बहुत सही डैमेज दे रहा है क्योंकि ये वही पत्थर फेंक फेंक के मार रहा भाई, मेरे ऊपर मत मार दिए बस पत्थर तू, बस ये होना चाहिए भाई, ऐसा बंदा चाहिए जो बीच में आके हमारी रक्षा कर ले। पीछे से बंदे आ रहे हैं क्या, पीछे से एक और आ गया भाई मोसांडा, उसका हेल्प करने उसका दोस्त आ गया, मुझे पीछे रहना पड़ेगा उससे थोड़ा सा, मैं जितना पीछे आऊंगा ना तो पीछे आएगा, रुको भाई तू निकल जा भाई, तू ना शांति से वहां से निकल जा ठीक है, मैं तेरे से कुछ मजे नहीं लेना चाह रहा, मैं मजे तो इससे इन भाई साहब से लेने हैं भाई। भाई ये कहां से स्पॉन हो रहे हैं, एक और दो और आगे बताओ, मैं कैसे करके, अरे भाई नहीं मैं बता रास्ते में आ गया पत्थर के 3% भाई, आ जाएगा मेरे को लगता है यहाँ पाएगा, पहले इसको मैं पकड़ूं भाई वरना ये मार देगा। मैं गीगा वाली यूज करने की सोच रहा हूँ, मैं एक और हिट देता हूँ फिर येलो वाली यूज करेंगे इसको। फिर यार क्यों, जो झुंड में ना हो ना उनसे फाइट करेंगे बस भाई, एक और भाई पकड़ना तो है यार, मानना नहीं है यार, ये हमेशा मर जाते हैं। मैं इस बार ना येलो वाली यूज करूंगा और इस बार हो सकता है तो पूरा ट्राई करूंगा ये पकड़ने की, बस 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 इससे ज्यादा हेल्थ बाकी मैं, अरे नहीं रुक 4% है पर मुझे थोड़ा सा और हेल्थ कम करनी पड़ेगी, मुझे नहीं लगता ये आएगा, येलो वाली यूज करूंगा तो आ जाएगा 50% हो गया भाई, आ जा। यस फाइनली हमने मोसांडा को पकड़ लिया भाई, फाइनली यस। ओ भाई इसको पकड़ने में हालत खराब होगी अपनी,
पर चलो कोई नहीं, अब येलो वाले को पकड़ते हैं भाई, वो भी इंपॉर्टेंट है यार। ये हमेशा आ जाते हैं भाई, ये चुड़ैल की तरह पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं। येलो वालों को पकड़ना है ना, इनसे बच के रहेंगे। रुको एक सेकंड, थोड़ा सा ना दिमाग लगाते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, घूम के आता हूँ। इनके पास ना जाना ही नहीं है, ये बढ़िया भाई। लड़ो 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 आपस में भाई, लड़ो मार दो एक दूसरे की, बैंड हो जाते भाई। ये एरिया वैसे देखा जाए तो नहीं बेस बनाने के लिए परफेक्ट था, लेकिन बीच में झोंपड़ी वगैरह है, इनको हटा नहीं सकते हम जहाँ तक मुझे पता है। अगर हटा सकते हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना यार, इनको हम तोड़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं ऐसा। बाकी इनको थोड़ा सा आपस में फाइट करने दो, इनको मरने दो आपस में, ऐसे कम हो जाएंगे ना, फिर मैं जाके फटाफट से उसको रिलीज करा दूंगा। बाकी आग लग गई, एक सेकंड, ये क्या सीन है बे? ये कुछ अजीब सा लग रहा है मेरे को। पता नहीं जो भी सीन है, तुम आपस में लड़ो, उसी का मैंने यूज कर लिया, इतना टाइम नहीं है अपने पास, अपने को बस रिलीज करा के सीधा भाग लेना भाई, इतना वो नहीं करते अपन, बस इसको रिलीज कराएंगे, बस थोड़ी देर ऐसे दबा के रखना। बूसी बचा लियो, थोड़ा सा टाइम है, बस इतना ही करना होता है, बस इतना ही करना होता है, उसके बाद भाग लेना होता है। इसको भी पकड़ सकता हूँ मैं, पर ये रुको, ये नहीं है ना फटने वाली, हाँ ये नहीं है, इसको मैं पकड़ सकता हूँ। पहले भाग लो, पहले थोड़ा सा भागना जरूरी है, थोड़ा सा नीचे आते हैं, सेफली खेलेंगे, क्योंकि अपने पास दो मैं ऑलरेडी पकड़ चुका हूँ भाई, एक येलो वाला पांडा सा मिल गया, एक ग्रीन वाला, क्योंकि इतने घूमते रहते हैं भाई, कितने हैं यहाँ पर, ये इतना भी रेयर नहीं है, इसका मतलब ये बहुत इजीली मिल गया अपने को। येलो वाला शायद हो सकता है रेयर हो, क्योंकि ना वो एक भी दिखा नहीं था मेरे को, सिर्फ केज के अंदर दिखा और मैंने पकड़ लिया। बाकी यहाँ पर चेस्ट है और इनके बीच में से मैं निकल जाऊंगा बिना मार का, बस तुम देखो ऐसे चुराई और निकल लिया बीच में से, बताओ। देख रहे स्कैम कर देते हम लोगों के साथ। ओह मिला 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 भाई मिला, अब कहाँ बच के जाएगा बेटा तू, अब तो तू अंदर है। मारो भाई मारो, लड़ो आपस में। एमो मिली अपने को हैंडगन की भाई, वो कहाँ मारते आ रहे हैं, इसको मार तू बस, ताकि मैं इसको कैप्चर कर सकूं। 1%, अरे मैंने ग्रीन वाली यूज करनी चाहिए थी, मैंने वो ब्लू वाली यूज कर दी, बताओ। इस पर तो पकड़ लूंगा आराम से, आ गया लो, ये भी आ जाएगा, 25% तो हो ही गया। अच्छा भाई इतनी इतनी ताकत है तेरे अंदर भी है, ले कर लिया भाई, अब तो आ जाएगा भाई, अब तो आ जाएगा। मैं उस वजह से मैंने यूज़ करी है, क्योंकि हेल्थ में इसकी डाउन नहीं कर सकता, मैं डाउन की तो मर जाएगा ये, और मेरे पास एरोज का काम हो चुके हैं भाई, देख रहे हो, और फायर एरोज यूज़ करता तो ये मर जाता। चलो फाइनली वैसे अपन ने पकड़ लिया इसको भी, वैसे देखा जाता आज अपन ने सही में काफ़ी सारे पकड़ लिए, अभी नए नए इसको भी पकड़ सकता हूँ, ये अकेली है, ये तितली सी है ना कोई। एक काम करते हैं, इसका फायदा उठा ही लेते हैं भाई, पकड़ ही लेते हैं। आ जा भूसी, इसकी वाट लगा दे, पता नहीं कैसा होगा, मैं तो फायर एरोज यूज़ करूँगा। मार इसको, मार भूसी, मार इसकी वाट लगा दे, मेरे सबसे ज़्यादा खतरनाक नहीं है, बहुत ही बेकार है ये, फिट जाएगा मेरे सबसे ये। मार भाई, लो भाई एक ही में ख़त्म हो गया, ढेर है भाई ये तो, 9% फटने वाली है यार ये। ओ भाई ये फटने वाली है ना, बहुत बेकार। ओ लावा भाई, ये कौन सा आइलैंड है, पर मैं मुझे जाना किधर है, मुझे उधर जाना है, पता नहीं मैं कौन सा आइलैंड पे जा रहा हूँ भाई, लावा वाला आइलैंड है भाई, उधर पे जाना पड़ेगा अपन को, एक्सप्लोर करेंगे बाद में, लेकिन पहले घर चलना है मेरे को, ये सारे देखना है, येलो वाला और मोसंडा किस काम आते हैं। अपन ने एक तो ये पकड़ा भाई, 259, अच्छा डैमेज ठीक ठाक है मेरे हिसाब से, देखो इसका है 278, वैसे ठीक है ये, डिफेंस इनका काफी अच्छा खासा है मेरे हिसाब से, काफी सही है। मोसंडा इसका नाम क्या, मोसंडा लक्स, अच्छा दोनों मोसंडा है, दोनों भाई भाई है, एक येलो वाला है एक ग्रीन वाला है भाई, दोनों भाई भाई काम कर रहे हैं मस्त। पांडा देखो वो लकड़ियां जमा करने चला गया, लकड़ियां भाई मेरे पास इतनी हो गई है, लकड़ियों की तो कोई कमी नहीं है भाई इसमें, देखो कितने आगे जमा हो गई होंगी, इसमें तो कमी, अच्छा कलेक्ट कर ली थी मैं। मेन दिक्कत है अपने पास ना स्टोन जमा नहीं हो रहा है, बाकी भाई ये देखो ओवर में लगे पड़े हैं, 3-3 कटीवा, इसमें भी लग जाओ यार, कोई इसमें क्यों नहीं लग रहा है, स्टोन अपने को ना थोड़े बहुत चाहिए, तो मैं सोचा इनमें से ना एक को उठा के, एक को उठाओ भाई, एक जना स्टोन पे लगो भाई, स्टोन पे काम करो। माइनिंग वाला, ये कौन सा माइनिंग वाला, रुक मेरे को तू ही चाहिए है कौन सा, टॉम बैट है अपने को जो रात में मिला था, ये मस्त माइनिंग करता है, लेवल 2 की लेवल 1 की करता है मेरे हिसाब से ये भी। ऐसा देखा जाए ना आज अपन ने सही में काफी सारे मस्त मस्त पाल्स को पकड़ लिया है, इस बार थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं, साइड तो शायद अपन नहीं जा सकते अभी, सही नहीं इधर कोल्ड वाला है, तो इस साइड एक्सप्लोर करने की सोचा, यहाँ से इस साइड चल के देखते हैं थोड़ा सा और कुछ मिल जाए ना बढ़िया सा, नए नए पाल्स उनको भी पकड़ेंगे, फिर अपनी ना टीम एकदम मस्त पावरफुल हो जाएगी, फिर बॉस से लड़ने में जो मजा आएगा ना फिर तो भाई देखो कैसे सबका भूत बनाऊंगा फिर मैं। बाकी चेस्ट वगैरह तो अपन मिलती रहेगी तो लूटते रहेंगे, एक और मोसंडा मिला अपने को, दो है भाई देखो, ये मस्त है सबसे, मतलब मस्त लग रहे हैं भाई एकदम मस्त, पांडा की तरह एकदम मस्त मस्त। बाकी ये काफी सारे मिलते हैं यार यहाँ पे इस वाले आइलैंड पे भी, और वहां मैं गया था वहां पे, और ये कौन सा आइलैंड है, ये कोई अलग से आइलैंड पे आया हूँ मैं, बाकी ये कोई मैंग्रोव जैसे मैं आ गया क्या मुझे ऐसा, ओ ये कैसे भाई इनको पकड़े, गोब्लिन नहीं गोफिन ये मिल रहा था मेरे को, वो बेच भी रहा था, इनको पकड़ना ठीक है भाई, क्या ये खतरनाक है भाई, बिजली छोड़ते भाई, नहीं खतरनाक है भाई ये, लेकिन चार चार है भाई, इनसे लड़ना भी ठीक नहीं है बिल्कुल भी, जहाँ एक मिलेगा सिर्फ उसी को लपेटा जाएगा भाई, एक साथ नहीं लपेट सकता मैं चार चार को, कोई नहीं निकलते थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते भाई, मत मारो यार मैं तुमसे कुछ कह ही नहीं रहा, मुझे उस वाले आइलैंड पे जाना, मैं कितना आगे आ गया,
चल ओए एक बॉस है यहाँ पे कोई ना, यहाँ पर एक बॉस बेजल लेवल 30 का भाई, काफी खतरनाक होगा, अभी लड़ना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। तो अभी थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, कोई और अपने को पाल्स मिलेंगे ना उनको कैप्चर करेंगे। अभी फिलहाल ये तो वही नॉर्मल वाले हैं, सबको तो मैं पकड़ चुका हूँ। ये तितली नहीं पकड़ी है मैंने, बस इसको तो पकड़ रखा मैंने ऑलरेडी। सबसे मस्त भाई पाल्स को पकड़ने का जहाँ पर वो केज में होते हैं भाई, केज में से जो केज में होता है ना भाई उसको रिलीज करना बहुत आसान है। अपने एक पाल को छोड़ दो जो कि उन्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा और तुम जाके ताला खोल दो भाई। मैं तो यही काम करता, मैं लड़ता ही नहीं उनसे भाई। ऐसे मैंने येलो वालों को पकड़ लिया और ऐसे पहले भी ऐसे पकड़ता था मस्त तरीके से। वो एक और दिखा केज, बोलते एक और केज दिख गया भाई, यहाँ से एक कोई बढ़िया होगा ना भाई इसको भी पकड़ेंगे, बस ऐसा ना हो। मैंने इसको नहीं कर रखा, बस बढ़िया फिर तो। यहाँ बाकी यहाँ पर एक केव भी है, मैं केव के अंदर भी जा सकता हूँ, पर केव के अंदर अभी फिलहाल तो मैं नहीं जाना चाह रहा। अभी फिलहाल तो इनकी बैंड बजाना चाह रहा हूँ मैं इनकी। भाई कितने सारे बंदे हैं इसके अंदर, कौन से? अरे इसके अंदर एक तितली सी है ये, मैंने इसको पहले हटाया था। ये ज़्यादा खास नहीं है मेरे हिसाब से, मार भी बड़ा गंदा रहे, मेरे को भाग लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये बेकार है ये। इसको रिलीज कराने के चक्कर में इतनी बैंड बच जाएगी। एक वहाँ पे भी केज मेरे को दिखा, देखो यहाँ पे भी एक केज है ना, इसके अंदर भी देखते हैं पकड़ के भाई। इसके अंदर मैं घूम के वहीं तो नहीं जा रहा ना, वो इस साइड थी साइड कहीं, हाँ ये दूसरी है मेरे हिसाब से पक्का। वैसे मजा तो भाई थर्ड पार्टी करने में आता है, ये लड़ रहे हो मस्त दो से भाई, इसको भी पकड़ लेते हैं, पता नहीं काम आए, अच्छी होगी तो बढ़िया है, वरना तो मुझे नहीं लगता कैसी होगी ये। मैं ज़्यादा अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे बस एक काम करना जो कि ताला खोलना है, बाकी मैं गलत जगह पर आ गया। बम कौन फोड़ रहा है भाई, बढ़िया है तुम करते रहो, मैं ताला खोल के फटाफट से यहाँ से निकल लूंगा। बस इतना ही काम, बस इतना ही करता हूँ मैं, ज्यादा नहीं करता, ज्यादा हेल्प नहीं करनी चाहिए, इतनी हेल्प करनी चाहिए कि तुम बस बैठो अपनी सवारी पे और निकल लो, फटाफट निकल लो भाई, टेंशन लेने का ही नहीं। इसको भी एक्टिवेट कर देते हैं। बाकी ना इस वाले आइलैंड पे ये दो ही मुझे ज्यादा दिख रहे हैं, एक तो ये बंदर जैसे है, दूसरा मोसांडा है, और तीसरा ये फटने वाले, बस ये दिख रहे हैं, तीन और तो कोई मुझे देखा नहीं है। बाकी यहाँ पर ये फ्री का माल जब भी मिलता है हमेशा उठा लेना चाहिए भाई। वैसे देखा जाए ये जगह भी बढ़िया है भाई बेस बनाने के लिए यहाँ पे, पर ना वही यार ओर वगैरह यहाँ पे नहीं है। ओर वगैरह की ना मैं एक जगह ऑलरेडी देख रखी है जो कि यहाँ पर है, यहाँ पे काफी सारे ओर्स हैं, यहाँ पे मैं दूसरा बेस बनाऊंगा अपना, एक बेस वहाँ होगा एक बेस अपना यहाँ पे है। एक अब मैं मस्त चीज करने वाला हूँ जिसकी मदद से मैं मर भी सकता हूँ, इसलिए थोड़ा सा रिस्क लेके नहीं करेंगे, थोड़ा सा आराम से मजे लेते हुए करेंगे, जो कि है इससे फाइट करना। 28 लेवल की जो दिख रही है तो मैं इससे फाइट करने की सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है ये फटने वाली होती है, और अपन फिर भी लड़ेंगे इनसे। जब उसी हेल्प कर मेरी, टेलीपोर्ट मार और फट मत जाइए वस्तु। ये नहीं फट रही है मेरे सबसे, वो फटती है सिर्फ, ये नहीं फट रही है बे, ये बढ़िया वाली है। इसको मैं पकड़ सकता हूँ मैं शायद, इसको तो इसीलिए पकड़ सकता हूँ, ये इसको ज़्यादा मतलब वो नहीं है, ज़्यादा खतरनाक मुझे लग नहीं है, पर अटैक डैमेज इसका ठीक होना तो बढ़िया हो सकती है मेरे सबसे। अभी फिलहाल तो इसको बस पकड़ना है मेरे को कैसे भी करके, बस मार मत यार भूसी ना, ये घुस पड़ देता सबके अंदर कि मार ना दे, थोड़ा सा संभल के लड़ेंगे बस। बस हो ही गया भाई, काफ़ी कम हेल्थ करती, बस बस भूसी बस, इससे ज़्यादा नहीं। एक हिट और मैं इसको फिर पकड़ लूंगा मेरे हिसाब से, नहीं एक और देना पड़ेगा, एक और बस, मर मत जियो यार, बस पकड़ सक 2% भाई, इसको पकड़ना इतना मुश्किल है क्या? 2% आ रहा अभी भी इतनी हेल्थ कम करने के बाद भी, हो गया 40%, मैं पकड़ सकता हूँ एक हिट में और, बस एक हिट और शायद अब मैं पकड़ पाऊंगा मेरे हिसाब से, अब तो पकड़ सकता हूँ भाई। आ जा यार, नहीं तो मुझे येलो वाली यूज़ करना पड़ेगा, या फिर एक काम करते हैं ये वाला तीर मार देते हैं भाई, इससे तो मर जाएगी नहीं ना ये, बस मर मत जियो तू, बस बस अब तो आ जाएगी यार, आ जा यार, आ जा ना भाई, आ जा यार, कितना परेशान करेगी भाई। अरे आर यू सीरियस, मैंने अपनी हेल्थ ही नहीं देखी यार, क्यों ऐसे काम करता हूँ यार मैं, इतना अच्छा मौका था इसको पकड़ने का, पता नहीं मैं भी ना भाई क्या करता हूँ यार। देखो मुझे यहाँ पे ना एक और केज वाला मिला, केज के अंदर पता नहीं कौन सा है, इसलिए मैं हेल्प तो इसकी नहीं ले रहा, हेल्प लेंगे अपनी भूसी की, मस्त भूसी इसकी घुस पड़ देगा, तुम इससे लड़ाई करो। अरे भाई यार इनकी लेजर ना बड़ा गंदा मार देती है भाई, एकदम स्टक कर देती है एक ही जगह पे, बाकी उससे लड़ी रहे, मैं इसका बस रिलीज करा के यहाँ से निकलता हूँ अपना। भाई ये कोई फायर वाला है, पता नहीं कितना ज़्यादा तगड़ा होगा, दिखने में तो वैसे नॉर्मल से ही लग रहा है, होचू जैसा लग रहा है भाई देखने में तो, पर जैसा भी भाई भाई मेरे को मत मारो, मेरे को नहीं मारने की हो रही है, मेरे को मारने की नहीं हो रही है भाई। फ्लेम बेल पता नहीं कैसा भाई, क्या फंस गया मैं, बस बस निकाल लो भाई, इतना ही था, बस 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 जा रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने, ज्यादा कुछ नहीं किया, ताला ही तोड़ा तुम्हारा बस। इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो तुम लोग भाई, ये क्या कर रहा है ये भाई, क्या कर रहा है ये, पता नहीं क्या काम कर रहा है भाई, कुछ तो काम कर रहा था बढ़िया मस्त तरीके से। बाकी सबसे पहले मुझे अपना आर्मर वगैरह रिपेयर करना है, इसको रिपेयर कर लेते हैं, इसको भी रिपेयर मारो भाई, सबको रिपेयर मारो, काफी ज्यादा डैमेज हो चुका सब कुछ। इसको पकड़ के लाया था ना ये, अच्छे फायर वाले काम करेगी ये भी, बढ़िया है मेरे हिसाब से तो, हैंडीवर्क भी करेगी वैसे ये भी भाई, काफी बढ़िया है भाई देखा जाए तो भाई, ये
बंदर काफी बढ़िया है, 300 डैमेज है इसका, काफी सही है। देखो आज अपन तीन बॉस फाइट तो जीत चुके, अब मैं जाने वाला हूँ चौथी हार गए थे, अब मैं पांचवी फाइट लड़ने जा रहा हूँ, जो कि ये है वॉरसेट करके कोई एक बंदा है, इसको निपटाने वाला हूँ आज मैं। पता नहीं होगा या नहीं होगा, पर मैं ट्राई फुल करने वाला हूँ। यहाँ से पास पड़ेगा कि यहाँ से पास पड़ेगा मेरे हिसाब से? यहाँ तो पहाड़ वगैरह ना, इधर से पास पड़ेगा, इधर से पास पड़ सकते हैं। वैसे लेवल 30 का है भाई, पता नहीं कितना ज्यादा पावरफुल होगा, पर फिर भी मैं इसको लपेटने वाला हूँ, पता नहीं जो होगा देखी जाएगी। लेकिन उससे पहले देखो मैं एक और चीज मस्त चीज करने वाला हूँ, मैंने वो एक्टिवेट कर दिया ना एक बार बेस पे आने, तो मैं अपनी आर्मी ना एक बार और सेट करने वाला हूँ। वुल्फ को लेके नहीं जाऊंगा, वुल्फ काम करनी है ना, इसकी हेड टक डैमेज बहुत कम है, 250 है बस। ये अपनी आर्मी लेके जाना, सारे काफी ज्यादा पावरफुल तो है भाई, काफी तगड़े तगड़े हैं। लेट्स गो वन मोर बॉस फाइट भाई, लेवल 30 का है, पता नहीं भाई खतरनाक है ये, इससे तो अपना बूसी लड़ेगा भाई। तुम लड़ो, मैं सिर्फ मजे करूंगा भाई, मैं सिर्फ यहाँ पे बैठ के देखना है मुझे बस भाई, तुम लड़ो भाई। ये इसकी ना आधी हेल्थ तक कर देना अपना बूसी, काफी बढ़िया हो जाएगा मेरे सब। ये वही अभी उसका बड़ा वर्जन है, जो मैंने गौरजीरा सा पकड़ा था ना बंदर जैसा, ही उसी का वर्जन है, कोई सा खतरनाक तो लग रहा है, हाईली इफेक्टिव दिखा तो रहा है, पता नहीं कैसा है ये। इसको अपन को पकड़ना है भाई कैसे भी करके, इसको बनने नहीं दे। मैं हिसाब से गीगा मीगा जो भी है मैं लेके तो आया हूँ, काफी सारी स्पेयर्स वगैरह, तो हो सकता है मैं इसको पकड़ लूँ। मेरे पास है 9 है ना मेरे पास गीगा वाली, तो कोई नहीं ट्राई कर। अरे नहीं भाई मेरे को मत मार, बस मेरे को बच के रहना भाई। भाई पकड़ लिया इसने मेरे को, पकड़। शेट नहीं यार भाई, ये क्या कर रहा है अपना भूसी, पता नहीं मार ही नहीं रहा भाई उसको, कोई दूसरा यूज करना पड़ेगा, फिर नाइट विंग यूज करके देखते हैं। रुको भाई मैं मर जाऊंगा यार, इसको मारना मुश्किल है। ये ना मेरे ऊपर अटैक कर रहा है भाई, मैं नहीं चाहता मेरे ऊपर अटैक करे, ये आपस में लड़ो ना भाई, मेरे को क्यों बीच में लपेट रहे हो, आपस में फाइट करो। मारो भाई ये भूसी भी कुछ कर यार, मेरे को मत मार बस, मेरी हेल्थ थोड़ी सी और रिकवर होने दो भाई, मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन हो रही है मेरे भाई। एक डैमेज भाई, फायर वाला एरो चलाया मैंने तब जाके एक डैमेज पड़ा इसको बस दो भाई, ये तो बहुत खतरनाक है सही में, से लड़ना मुश्किल है भाई, ये मैंने गलत ढंग के ले लिए एरो भाई। फायर वाला चलाया था, देखो इस क्रॉस बो से भी चेक करता हूँ भाई क्या हाल है इससे, इससे डैमेज कितना आ रहा है, इससे 5 डैमेज भाई, बहुत कम आ रहा है यार, ये तो कुछ भी नहीं कर पा रहा। एक अपना भूसी है जो अपने को बचा सकता है थोड़ा सा भाई, कितना ही कम कर पाया, 400 ही कम कर पाया भाई। ये मेरे को ना मारे ना तो मैं इसको देखो पीछे से हमला कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरे को भी मार रहा है यार, यही तो दिक्कत हो रही है। मैं अपने आप को बचाऊँ या इसको मारूँ, पर अपने को दोनों काम करने भाई, यही तो मजा है, तभी तो मजा आएगा इसको लपेटने में। क्रॉसबो में यार लोड होने में काफी ज्यादा टाइम लगा देते, ये दिक्कत है बस, और कुछ दिक्कत नहीं क्रॉसबो की। अरे नहीं 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 नहीं, बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया भाई, मुझे ना बस इससे बच के रहना, इससे डैमेज मुझे नहीं लेना भाई, मेरे को डैमेज देगा ना तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने पास आर्मी तो है अच्छी खासी, तो मैं हो सकता है इसको काफी मतलब कम कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इससे पिट जाऊंगा, पर मुझे बच के रहना पड़ेगा कि ये मेरे को डैमेज ना दे, क्योंकि अपनी ज्यादा हालत खराब होगी ना तो फिर तो रिकवर मैं नहीं कर पाऊंगा, वो मेरे को तो बचा लेगा। भूसी बचा ले भाई, इतना मेरे ऊपर हमला मत होने दे भाई। तू रोबिन कुल भी काफी अच्छे खासा डैमेज तो दे रहा है, पर ना उसकी भी हेल्थ काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है यार, मुझे रिस्क नहीं लेना, मुझे आराम से खेलना, बस मरने नहीं देना इसको, रोबिन कुल को भी मारना भाई, क्या कर रहे हो यार। मुझे ना एक गलती करती, पानी वाला लेके नहीं आना चाहिए था, दूसरा लेके आता, मोसांडा वगैरह को लेके आता ना, वो थोड़ा तो हैवी रहते इसके सामने, या फिर मेमोइस्ट को पकड़ने की फुल ट्राई करूंगा मैं, वो भी काफी बार मौका अपने खराब हुआ है ना, तो है अपनी आर्मी थोड़ी सी और पावरफुल जाएगी, लेकिन पहले अपने आप को बचाओ यार, इसको मारना। वैसे कितना डैमेज हो गया, 2000 हो गया ना, 3000 के आसपास का इसका, ये पता नहीं कैसी है मेरे हिसाब से, इसका भी डैमेज मैं पहली बार ही यूज कर रहा हूँ, इसको दिखा तो रहा था कि अच्छा खासा डैमेज है इसका, इफेक्टिव भी है ये, बस ये बचा ले भाई, मेरे को मत मरने दो भाई, मेरे को बचाओ यार बस, तुम और कुछ मत करो। वो जला दिया भाई, ये काफी सही हो रही है मेरे हिसाब से, हाँ इसका इफेक्ट पावर मतलब, हाँ ये बढ़िया भाई, इसका यूज कर सकता हूँ मैं, ये बढ़िया इसके लिए भाई, काफी मतलब जला दिया, जलने से ना मतलब काफी जल्दी पावर कम होती है, एक बार एक बंदा जल गया ना तो उसकी हेल्थ बहुत जल्दी डाउन होगी, जैसे हमारी हो जाती है ना वैसे इनकी भी है भाई, एक बार ये जल जाए ना बस, फिर उसके बाद देखो मस्त पावर कम होती है। बाकी एक और हिट यहाँ से, अरे यार ये रीलोड होने में तो टाइम लगाता है, यही दिक्कत है इसका बस, और कुछ नहीं है। क्रॉस बो की ऑलमोस्ट 50% हेल्थ हो चुकी है, लेकिन भाई सही है मतलब मैं सही खेल रहा हूँ, ये अपना एक भी पाल मरा नहीं है, एकदम हेल्थ तो अपनी ठीक ठाक हो रही है मेरे सबसे। भाई जलाने की कोशिश करती है, बच जाता है भाई, ये भी दिमाग है भाई इसके अंदर भी भाई। नहीं 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 मेरी शील्ड तोड़ दी यार, क्या आदमी है यार, ये खतरनाक तो है भाई, 50% पे लेके तो आ गया हूँ मैं इसको, थोड़ा सा और कम हो जाए ना मजा आ जाएगा। अरे क्या आदमी है भाई, मरता क्यों नहीं है, कितनी डैमेज खाएगा ये। अब भाई मुझे रिकवर करने तो, मेरी हेल्थ बस मेरे पीछे पड़ा हुआ है यार, शिट सिर्फ 1000 डैमेज और चाहिए सिर्फ, अरे मैं गया शिट यार, नहीं मरना नहीं है यार, ऐसे मोमेंट में आगे मर गया तो बहुत दिक्कत है। रिकवर हो जा भाई, हेल्थ क्यों नहीं रिकवर हो रही है, बहुत टाइम लगता है यार हेल्थ रिकवर होने में। अरे बचा ले भूसी, क्या कर रहा है तू, बचा ले यार, बचा ले मेरे को, थोड़ा सा मैं सेफ मूवी भूसी, बचा ले यार, बचा ले भाई, हेल्थ रिकवर हो जाए यार, मुझे ना बीच में नहीं पंगे लेने चाहिए, बस मैं अभी ना सेफ ही खेल रहा हूँ, इसलिए मान नहीं रहा मैं इसको,
भाई नहीं बच गया, बच गया भाई। लग रहा है मैं मरने वाला हूँ, नहीं बचा पाऊंगा भाई, मैं नहीं पकड़ पाऊंगा इसको भाई। गया काम से मैं, नहीं गया गया गया। शेट यार, बचा ले भाई यार ये भी ना। नहीं मैं गया, मैं गया, मैं गया। ए यार थोड़ा सा और पावरफुल होना पड़ेगा मुझे अपने आप को, तभी मैं इसको, इसका ना अटैक डैमेज बहुत ज्यादा है यार, इससे लड़ना है ना थोड़ा सा मुश्किल है। इसका अटैक डैमेज ना बहुत सही है, मतलब ये मारता बहुत गंदा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा ना संभल के खेलना पड़ेगा भाई इसको। लेकिन पकड़ लिया ना फिर अपनी आर्मी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि ना ये डैमेज काफी अच्छा कर रहा है भाई। दो अटैम्प यार मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ यार, ये मेरा तीसरा अटैम्प है भाई, इसमें आ जाना चाहिए भाई। इस बार मैं फुल ट्राई करने वाला हूँ, इस बार तो मैं पकड़ के रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। वह 231 है यार, आ जा यार 15% जल्दी, या 15% है भाई यार, नहीं आ रहा यार पकड़ में, क्या आदमी है यार ये भाई। इस बार तो आ जाए भाई, इस बार तो 128 डैमेज पे पकड़ लिया भाई 16%। अरे यार शिट, क्यों नहीं आ रहा यार ये, इस बार तो जल गया यार ये 90। अरे वेस्ट होगी मेरी यार 62%, 47 यार, आ जा यार 47% यार 47 भाई, नहीं भाई 17 भाई, अब ये मर जाता भाई, इस बार तो आना चाहिए यार। नहीं गया काम से। ओ भाई आजा यार, आजा यार, आ गया फाइनली, यस। ओ भाई फाइनली फाइनली अपन ने वॉरसेट को पकड़ लिया भाई, भाई रुला दिया था यार इसने। ओ भाई फाइनली पकड़ लिया यार इसको। ओ भाई मेरे पास सिर्फ 1 गीगा बॉल और बची थी भाई, इस बार नहीं आया तो भाई ये ऑलमोस्ट मरने वाला था भाई, 17 उसकी हेल्थ बची थी भाई। भाई फाइनली अपन ने पकड़ लिया इसको, बस भाई बस आज के लिए बहुत हो गया भाई। आज सही में यार अपन ने 4 बॉस पकड़ लिए, वो भी खतरनाक वाले पकड़े हैं भाई। बाकी आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही, अगर आपको यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।